सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज। तो अभी हम हैं लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर। हमारे साथ में हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र जी और साथ में आए थे सचिन राठौर। सचिन जी क्या देख रहे हो यार? हेलो करो। किस देख रहे हैं? हेलो भाई। अच्छा अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज नहीं लिया है वो अलग बात है। आज हम लोग फुल एंजॉय करने वाले हैं। तो अभी आगे ट्रेन की जर्नी क्या होती है वो दिखाते हैं। और अभी हम लोग दूसरी ट्रेन में घुस गए थे, तो आगे स्टेशन में घुस गए थे। अच्छा, स्टेशन में घुस गए थे। अब आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और हमारे साथ बड़े भाई चल रहे हैं और ये टिकट लेकर आ चुके हैं। सचिन जी, टिकट मिल गया? जी ठीक है, अच्छी बात है, टिकट मिल गया। तो प्लेटफॉर्म हमको 4 नंबर पे जाना है। तो यहाँ पर बाई स्टेज जो है ब्रिज पर जाना पड़ता है, उसके बाद आप प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जाते हैं। 1, 2, 3, 4 ऐसे सीरीज से हैं प्लेटफॉर्म्स। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। गाइस बी कनेक्टेड विद मी। तो फाइनली गाइस हम लोग प्रयागराज संगम पर आ चुके हैं। यहाँ पर ये रहा रेलवे स्टेशन, बहुत ही प्यारा है। और पीछे भाई है, तो ये रहे हमारे सचिन जी रहे। बहुत ही अच्छा मौसम है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा। प्रयागराज त्रिवेणी संगम। सो फाइनली गाइस हम लोग रेलवे स्टेशन से यहाँ पर त्रिवेणी संगम के लिए निकल चुके थे। और यहाँ पर फाइनली आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में दोस्तों, यहाँ पर जो है माँ गंगा जी बह रही हैं। तो यहाँ पर देखिए पीछे बहुत सारे लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर पीछे ये है घाट और यहाँ पर एक बैरियर लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये बैरियर नहीं लगाया जाएगा तो आगे बहुत ज़्यादा गहरी हैं गंगा मैया, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। जो लोग तैर लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर बैरियर लगाए जाते हैं कि इसके आगे आप लोग नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑटो वाले को जो पैसे दिए थे, हमने कहा त्रिवेणी संगम लेकर चलेगा, लेकिन उन्होंने रोड पर ही छोड़ दिया। और वहाँ से 15 रुपये समथिंग, 20 रुपये किसी से ले लेते हैं, 15 रुपये ले लेते हैं तो यहाँ पर आने के लिए। तो अभी क्या है कि यहाँ पर गंगा मैया जो है, यहाँ पर आप स्नान करते हैं। कितने रुपए आप लोग देकर आए हैं यहाँ पर? 20 रुपए। मैंने 15 रुपए दिए हैं। हाँ सुबह सुबह का समय होता है, ज्यादा ले लिए ना आप लोग। त्रिवेणी संगम पर नहीं गए? त्रिवेणी संगम कहाँ पर? इधर पड़ता है कि उधर बताया गया? उधर पड़ता है। हाँ तो अभी आपको दिखाते हैं कितने लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है, मॉर्निंग टाइम है, अभी बजा है यहाँ पर समथिंग 4 बज रहा है और हम लोग 4 बजे यहाँ पर आ चुके हैं गंगा घाट पर। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर गंगा जी में डुबकी लगाई जा रही है। सो फाइनली गाइस अब हम लोग जा रहे हैं त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए। सुबह सुबह हम लोग गए थे लेकिन कुछ और प्लान बन गया, तो उससे पहले यहाँ पर गुरु महाराज जी का सत्संग था, तो हम लोग सत्संग सुनने के लिए गए थे। और अब जा रहे हैं संगम पर। अब धूप भी हो गई है तो और अच्छा लगेगा स्नान करते हुए। काफ़ी मात्रा में यहाँ पर भीड़ है, आप देख सकते हैं। सचिन भी परेशान नहीं हुए? भी परेशान हो गए क्या? थक गए, बहुत थक गया है यार। भैया इधर देखो बात कर रहा है, भैया इधर देखो बात कर रहे हैं। चलो आप संगम पर लेकर चलते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए, और आपको दिखाते हैं कि संगम पर कितनी ज़्यादा भीड़ है दोस्तों और कहाँ कहाँ से यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं त्रिवेणी संगम पर। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं गंगा यमुना सरस्वती जी के। फाइनली गाइस हम लोग नाव पर बैठ चुके हैं और इसका जो टिकट प्राइस है 60 रुपये पर हेड पड़ता है। तो हम लोग अभी त्रिवेणी संगम की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग स्नान करेंगे। काफी टाइम से हम कह रहे हैं कि संगम पर जाना है, तो अब फाइनली वो टाइम आ गया कि हम लोग जा रहे हैं। हमारे साथ में बड़े भैया और सचिन इधर बैठे हैं और बाकी सारे लोग बैठे हैं। नाव से ही हम लोग जाते हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर, तब तक आप पीछे देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड। मैं भी आपको रियर कैम से दिखाऊंगा कि कैसे क्या यहाँ पर है। आज है महाशिवरात्रि के अवसर पर हम लोग आए स्नान करने के लिए, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। और ये आप देख रहे हैं ये सेफ्टी कवर है, तो अगर नाव पर बैठते हैं ये नहीं पहनते हैं तो आपको नाव पर नहीं बैठा जाएगा, तो आपको सिक्योरिटी गार्ड भी लेकर त्रिवेणी संगम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। सनातन धर्म की जय। यहाँ पर बहुत क्राउड है,
सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है, कितना क्राउड है दोस्तों। यहाँ पर आज महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर सारे लोग स्नान करने के लिए आते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग अभी पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो दो लोग यहाँ पर बोटिंग करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए सब नाव, मतलब यहाँ पर सारी नाव ही दिखाई दे रही है चारों तरफ आप देखेंगे तो। गंगे का पानी व्हाइट है, इसका पानी हरा है, इसमें फोर्स नहीं है। यहाँ पर नाव आपका है, यहाँ 45 हाथ पानी है, 45 हाथ। कोई आदमी डूबता बूटता रहता तुरंत बचा लेते, बचाने का तुम चाहे 10,000 दो, चाहे 500 दो, चाहे 200 दो, नहीं लेगा। बोलते जाओ किसी गरीब को दे दो या किसान पांच पत्थर में डाल दो, मैं बचाने का पैसा नहीं लेता। So finally guys, हम लोग आ चुके त्रिवेणी संगम और यहाँ पर हम लोग अभी डुबकी लगाएंगे। ये तो लगा रहे पहले से ही, आप देख सकते हैं इनको। और मैं भी बस बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। और ये नेताजी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और इधर रहे सचिन जी। तो अभी हम डुबकी लगाते हैं तो और जोरदार की, उसके बाद दिखाते हैं लगा डुबकी कितने लगाते हैं। आराम से लगा सकते हैं आराम से। चश्मा तुम्हारा क्या हुआ? हम जाए नहीं, ले आओ ले आओ ले आओ, अब नहीं जाएंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं दोस्तों स्नान करने के लिए। बहुत ही क्राउड है वहाँ पर, उधर मेला लगा, बहुत ज्यादा भीड़ है उधर भी दोस्तों। मैं डुबकी लगा देता हूँ, मैं डुबकी लगा लेता हूँ। इधर रुको थोड़ा, हाँ लगाओ लगाओ लगाओ, इधर लगाओ तो दिखेगा अच्छा, इधर लगाओ आके, इधर लगाओ तो अच्छा दिखेगा, इधर लगाओ जी। तो साथ में लगाते हैं, हाँ टू साथ में चंद्रमा में आ जाएगा, रुक जाओ। यहाँ पर धर्मेंद्र ये चंदन लगवा रहे हैं और ये रहा तीर्थ, इसके तीर्थ के पास में ही यहाँ पर पंडित जी बैठते हैं, यहाँ पर आप चंदन लगवा सकते हैं। फाइनली गाइस हम लोगों ने स्नान करके यहाँ पर बाहर आ चुके हैं और चंदन भी लगवा लिया। और बताइए कैसा लग रहा है कमेंट करके, माला भी मैंने लिया है, कैसा लग रहा है स्नान करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सचिन ने भी लगाया है, इनका चंदन कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा है, लग रहा है ऐसा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धर्मेंद्र ये तो आगे जा रहे हैं वहाँ पे, मेरा चश्मा अंदर गंगा मैया ने ले लिया, हम लोग डुबकी लगा रहे थे तो वहीं चला गया। सचिन ने तो अपना संभाल के रखा था। यहाँ पर देखिए कितनी रेत रेत है सब पूरा पूरा, इधर गन्ने का जूस भी मिल रहा है। और अभी हम जा रहे हैं ऊंट की सवारी करने के लिए, ऊंट के ऊपर बैठेंगे। फर्स्ट टाइम मेरा है ये रेगिस्तान, आप देख रहे हैं छोटा सा रेगिस्तान, राजस्थान में नहीं हूँ लेकिन राजस्थान वाला फील आ रहा है। तो इनसे निगोशिएट करते हैं कितने पैसे लेंगे, कैसे क्या होगा। कितने बता रहे हा? बहुत पैसे बता रहे, एक लोग 50 रुपए बता रहे, 50 रुपए पर हेड बता रहे, लेकिन थोड़ा हम लोग निगोशिएशन करते हैं उसके बाद देखते हैं कितना क्या पड़ता है। इनका चंदन बताइए कैसा लग रहा है, बताओ कितने लोग हैं यार? 3 लोग 100 रुपए, 3 लोग 100 रुपए, 5 रुपए। अरे कुछ 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 और कम कर लीजिए यार, वीडियो बनना है, वीडियो बनना है आपका, डाल देंगे चैनल पर। बताइए बताइए कुछ कम कर लीजिए। लंदन जाना है तो 80 रुपए मान गए हैं, 80 रुपए ले लेंगे, चलो बैठ लो, अब ज्यादा नहीं करते ठीक है, डन कर दिया। अब यहाँ पर बैठेंगे धर्मेंद्र भैया, उसके बाद सचिन बैठेंगे, लास्ट में मैं बैठूंगा, फिर इसके बाद वहीं से वीडियो हम लोग बनाएंगे, फिर व्यू दिखाएंगे। सबसे आगे मैं बैठूंगा ठीक है, ब्लॉग बनाऊंगा ना, सबसे आगे मैं बैठूंगा, बीच में बिल्कुल ना बैठ, नहीं नहीं मैं बैठूंगा, सचिन बैठो नहीं तो ब्लॉग मैं बनाऊंगा तो बनेगा नहीं, पीछे जाओ जल्दी जाओ। फाइनली गाइस हम लोग बैठ चुके हैं ऊंट के ऊपर कैमल, और ये हमारा छोटा सा रेगिस्तान रहा त्रिवेणी संगम के पास में। और ये देखो गांधी जी के, अब आगे मैं नहीं कहूंगा, चलिए उठाइए, पकड़ लेता हूँ बस। फर्स्ट टाइम फील सो हैप्पी, मरी में बच गए भैया। ओह वाह,
बाबू तंचा बिल आ रहा है गाइस, वाह दिस इज अ वेरी नाइस व्यू। ये छोटे से रेगिस्तान में बहुत ही मजा आ रहा है। देखिए पीछे की लोकेशन आपको दिखाई पड़ रही होगी, बहुत ही अच्छी लोकेशन भी आ रही है। इधर इधर देखिए, इधर देखिए, इधर 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 देखो, इधर देखो सारे लोग। और इधर इधर से लोकेशन कितना प्यारा व्यू आ रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छा। ये अपने छोटे से रेगिस्तान में टहलने का मजा ही कुछ और है एकदम जैसे वहाँ पर राजस्थान में है वो वाला फील आ रहा है दोस्तों। अगर आप यहाँ त्रिवेणी संगम प्रयागराज में आते हैं तो यहाँ पर ऊंट की सवारी जरूर करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी आप जब बैठा होता है ऊंट, जब खड़ा होगा भाई साहब, तो आप टाइटली पकड़िएगा वरना हम नहीं जानते पीछे चले जाएंगे 100%। और बता रहा हूँ सचिन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, ये कॉमन क्वेश्चन हुआ है। इधर देखिए, इधर देखिए, बात में बना लीजिए। कैसा लग रहा है भैया? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। पूरा संगम, पूरी संगम नगरी प्रयागराज ऊंट महाराज पर से दिख रही है। और मैं बाहर का उधर का व्यू दिखाता हूँ आपको। ये कहाँ तक ले जाए सवारी, कटा दीजिए काफी दूर का है ये। चल 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 मेरे हाथी, नहीं नहीं हाथी नहीं, चल 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 मेरे ऊंट। आई होप गाइस कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, काफी ज्यादा यहाँ पर एंजॉय किया और त्रिवेणी संगम के दर्शन किए, काफी अच्छा लगा। बहुत मतलब भीड़ थी वहाँ पर, आज शिवरात्रि का पर्व था। तो आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और हमारे साथ बड़े भैया आए थे, देखो थक गए हमको लग रहा है बहुत ज्यादा। सचिन जी भी बहुत ज्यादा थक गए हैं, थके नहीं हुआ शिवरात्रि का दिन था, एक ही दिन टहलने को मिला बस। वेरी गुड, नाइस आंसर। तो चलिए अब इस ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और देख लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसा क्राउड है बहुत ज्यादा, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने, स्नान करने के लिए। चलिए अभी के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।